दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के भी लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रोजेक्टिंग टू डिस्क पीसी का ऑप्शन मिसिंग है, मतलब कि आ नहीं रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, जो मेरा लैपटॉप है उसमें आप देख पाएंगे प्रोजेक्टिंग टू डिस्क पीसी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं दिखाई दे रहा, नहीं शो हो रहा, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे और कैसे आप इस ऑप्शन को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इनेबल कर पाएंगे और कैसे आप इसको देख पाएंगे, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो लोग भी इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए भैया सीखते हैं या जानते हैं किस तरीके से अपन अपने कंप्यूटर लैपटॉप में प्रोजेक्टिंग टू डिस्क पीसी ऑप्शन को अपन ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरा लैपटॉप है, देखिए आपको दिखाना चाहूंगा पहले जो ऑप्शन जो होता है प्रोजेक्टिंग टू डिस्क पीसी का वो कहाँ आता है। ध्यान दीजिए, अपन यहाँ पे स्टार जो मेनू है वहाँ पर क्लिक करते हैं, सेटिंग में क्लिक करते हैं, जो सेटिंग में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ आपके पास जो स्टार मेनू में सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके अलावा ध्यान दीजिए आपको यहाँ देखेंगे आपके राइट हैंड साइड में विंडो 10 में ये ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पे देखिए, तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे लिखा हुआ ऑल सेटिंग। आपको ऑल सेटिंग पे क्लिक करना होता है। जब ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप सेम टू सेम उसी विंडो पर पहुँच जाएंगे, उसी डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए लिखा आता है सिस्टम, आपको सिस्टम पे क्लिक करना है और सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्टिंग टू डिस्क पीसी का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है, आपके लैपटॉप में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है भैया? पहले मेरे लैपटॉप में भी नहीं आ रहा था, तो मैं सही करा। अब जिस तरीके से मैंने सही करा है वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे मेरा वादा है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपकी तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो हट जाएगी। आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, विंडो 10 है, बता रहा हूँ ये विंडो 10 है, वो विंडो 10 की प्रॉब्लम है, तो विंडो 10 में आप किस तरीके से सही कर पाएंगे पूरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले करना क्या, आपको देखिए आपका जो भी लैपटॉप है आपको करना क्या, सेटिंग माना होगा। सेटिंग माने एक दो तरीके हैं, एक यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड तरीका कहाँ से आपको बता दिया, इस साइड से इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप विंडो 10 में राइट हैंड साइड में वो यहाँ सेटिंग ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पे यहाँ से भी क्लिक करके आप सेटिंग में आ सकते हैं। सेटिंग माने के बाद ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, आप देख पाएंगे यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सिस्टम का, डिवाइस का, फोन का, नेटवर्क इंटरनेट का। तो यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उसमें लिखा है ऐप, इस पर लिखा है अनइंस्टॉल डिफॉल्ट ऑफिशनल फीचर्स। तो आपको इस पर क्लिक करना होता है एप्लीकेशन पर, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, सेटअप वीडियो प्लेबैक, ऐप फॉर वेबसाइट, ऑफलाइन मैप्स, डिफॉल्ट ऐप्स, ऐप एंड फीचर्स। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है ऐप एंड फीचर्स, जो लिखा है यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप सामने कुछ ऑप्शन ऐसे खुल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बारीकी समझिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो अलग ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग ऑप्शन खुलेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐप एंड फीचर्स पर क्लिक करना होगा। जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऐप एंड फीचर्स में, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे लिखा है ऑफिशनल फीचर्स और यहाँ लिखा है ऐप एक्सटेंशन लिखा हुआ, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है ऑफिशनल फीचर्स पर क्लिक कीजिए, ये वाला देख ये वाला। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाती है ऑफिशियल फीचर्स की, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देने को मिलता है ऐड ए फीचर, दे सकते हैं वाला। अब दोस्तों बताना चाहूँगा, थोड़ा समझना चाहूँगा आपके लिए, मेरे जो लैपटॉप में जितनी भी प्रॉब्लम थी विंडो 10 से रिलेटेड, जैसे मान लो मेरे लैपटॉप में कंप्यूटर में ब्लूटूथ प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने सही करी है। अगर आपको वो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है ब्लूटूथ की, तो मैं इसके लिए वीडियो बनाई, आप मेरी चैनल पर देखिएगा, आपके लिए मिल जाएगी विंडो 10 ब्लूटूथ प्रॉब्लम, आप उसको भी देख के अपने ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ आने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा ऐड ए फीचर्स का, फीचर्स पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिए अब जो आप मेरे लैपटॉप में देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके जो लैपटॉप आपके में ऐसे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो जितनी भी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम थी इससे रिलेटेड, जितनी विंडो 10 की प्रॉब्लम थी वो मैंने सब सही कर दी है। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामने ऑप्शन कैसे आएंगे, ध्यान दीजिएगा आपके लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, जब क्लिक कर देंगे फर्स्ट टाइम आप क्लिक करेंगे तो सेकंड आप जब नेक्स्ट अपन आएंगे तो यहाँ देखिए आपके में ऐसी विंडो खुल जाएगी ऐड एनी ऑफिशियल फीचर। तो यहाँ पर सर्च करना होगा वायरलेस डिस्प्ले, सर्च कीजिएगा वायरलेस डिस्प्ले। जब वायरलेस डिस्प्ले सर्च करेंगे ध्यान दीजिए तो आपके सामने ऐसा एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इस पर लिखा होगा वायरलेस डिस्प्ले, जो कि 1.6 MB का होगा, ठीक है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ आप देखिए सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा आपके लिए डॉट, ये देख पाएंगे बिंदी लिखी हुई है, यहाँ देखिए जब ये देख सकते हैं बिंदी, इस बिंदी पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डॉट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे अगर क्लिक कर देंगे नीचे देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं इंस्टॉल और कैंसिल का, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना होता है। जब इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो कुछ सेकंड आप वेट कीजिएगा, एक मिनट, तो आपका ये देखेंगे वायरलेस डिस्प्ले जो ऑप्शन है वो आपका चालू हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप इस प्रोसेस को पूरा करें तो आपका जो नेट है वो नेट यहाँ देख पाएंगे आप, नेट आपका ऑन होना चाहिए, नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ही डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाता है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ नहीं करना, पूरी विंडो क्लोज कर देना है। जब पूरी विंडो क्लोज कर देंगे सिंपल आप देखिएगा आपकी सेटिंग में आइएगा, सेटिंग में आने के बाद आपको क्लिक करना होगा
सिस्टम में, तो सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सामने ऑप्शन दिखाई देगा प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। आप देख पाएंगे वो कंप्यूटर में आ चुका होगा, आपके लैपटॉप में आ चुका होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो क्या करिएगा, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, बंद कर चालू कीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी की, वो हट जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।